नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। पिछले 3 दिनों में मध्य प्रदेश में भारी वर्षा के चलते दीवार गिरने से 13 बच्चों की मौत हो गई। पहली घटना रीवा जिले के गढ़ थाना की है, जहां पर स्कूल से लौटते वक्त 4 बच्चों के ऊपर एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य लोग इस घटना में घायल भी हुए। दूसरी घटना रविवार को सागर जिले के शाहपुर में हुई, जहां पर एक मंदिर के प्रांगण में एक पुरानी दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। अब भारी बारिश के चलते दीवार गिर गई, दीवार गिरने से बच्चों की मौत हो गई, यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद सरकार एक्शन में आई। सरकार ने एक्शन में आते समय रीवा को लेकर के तो कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन सागर में जिला कलेक्टर दीपक आर्या, एसपी अभिषेक तिवारी और एसडीएम संदीप सिंह को जो है ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा एक डॉक्टर को सस्पेंड भी किया। अब बड़ी बात यह है कि अब आईपीएस ऑफिसर हैं, वो इस समय छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए हैं। उनको सरकार ने 27 तारीख से लेकर 5 तारीख तक छुट्टी पे भेज रखा है, मतलब वो छुट्टी उन्होंने मांगी थी, छुट्टी मिल गई, इस वजह से वो विदेश गए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए भी रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो प्रतिनियुक्ति उनकी हो नहीं पाई। तिवारी जो हैं वो राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार भी पा चुके हैं, वीरता मेडल भी उनको मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर उनको जो है एब्सेंशिया में, एब्सेंस में जब वो छुट्टी मना रहे थे, सरकार ने ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर जो है बताया ये जा रहा है, मतलब इस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, इस तरह से मैसेज आ रहा है कि सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आप को अपना गुस्सा दिखाते हुए इन 3 अधिकारियों को ट्रांसफर किया है। अब सवाल ये है कि जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो एसपी वहां पर जिले में उस समय है ही नहीं जब वो घटना हुई, तो उसका ट्रांसफर करके सरकार क्या बताना चाहती है? कलेक्टर और एसडीएम तक तो बात ठीक थी, लेकिन जो एसपी साहब वहां पर मौजूद ही नहीं है, उनको ट्रांसफर करके सरकार क्या बताना चाहती है? अच्छा, एक तरफ जब आपने शाहपुरा में, सागर जिले में बड़े अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया, तो उसी तरह की घटना जब रीवा में हुई तो वहां कोई ट्रांसफर क्यों नहीं किया गया? तो सवाल यही है कि सरकार के जो मुखिया है उनको आखिरकार इस तरह का एडवाइस कौन दे रहा है? क्या सरकार को ये मालूम ही नहीं है कि उनके कौन से अधिकारी कहाँ काम कर रहे हैं, कौन छुट्टी पर है और किसको कब ट्रांसफर किया जा सकता है? और इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। बहुत दुखद घटनाएं हैं दोनों ही, और सरकार जो है दिखाना चाहती है कि उन्होंने तुरंत एक्शन में आए, और ताकि मुद्दे से ध्यान भटक जाए और सरकार का जो एक्शन मोड है वो दिखे। सब लोग डिस्कस करने लगे, देखो सरकार ने एसपी को हटा दिया, कलेक्टर को हटा दिया, एसडीएम को हटा दिया, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। तो पहला सवाल जो मेरा आपसे है वो ये कि क्या किसी अधिकारी को, खासकर एसपी को, जो सरकारी मतलब सरकारी नौकरी से छुट्टी पर गया हो, सरकार ने ही छुट्टी दी है, विदेश गए हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से भी परमिशन ली होगी, क्या ऐसे व्यक्ति को सजा दी जा सकती है? हेमंत जी, सबसे बड़ा तो मजाक ये है कि जो दुर्घटना हुई जी, बच्चे मरे, बहुत दुखद है, और वो भी कब मरे? जब वो मिट्टी के शिवलिंग बना रहे थे। सागर की बात की जाए, मंदिर के परिसर से लगा हुआ एक पुराना घर था, उसकी दीवार गिरी है। अगर मान लीजिए कि पुलिस अपना काम कर रही होती और पुलिस ने वहां पर उन बच्चों को टेंट लगा के शिवलिंग बनाने से रोक दिया होता, तो अब तो हिंदुत्व खतरे में पड़ जाता। सर, ये वाली बात पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। अब पुलिस को पता नहीं है कि मंदिर के भीतर क्या हो रहा है। एसपी जिनकी हम बात कर रहे हैं वो छुट्टी पर हैं, उनकी छुट्टी किसने सैंक्शन की? मेरी जानकारी में गृहमंत्री तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ही है जी, गृह मंत्रालय शायद उन्हीं के पास है, चीफ सेक्रेटरी भी उनके अंडर में आते हैं, डीजीपी भी उनके अंडर में आते हैं। जब 27 जुलाई से 8 अगस्त तक की छुट्टी आपने दी है, फिर तबादला करने की क्या जरूरत थी? ये क्या दिखाना चाहते हैं? दरअसल इस फैसले से एक चीज जाहिर हुई, मुझे तो यह भी पता लगा है कि जो कलेक्टर हैं उनका भी समय ड्यू हो चुका था, वो भी वेट कर रहे थे कि उनका तबादला हो।
तो एक तरह से ये हो गया कि एक गुस्सा भी दिखा दिया और इतना कर रही है सरकार बड़ी एक्टिव है, और वो दोनों अफसर जो चाहते थे, क्योंकि जानकारी के मुताबिक चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले उनको जाना था डेपुटेशन पे, एनटीआरओ में उनका डेपुटेशन हुआ था केंद्र सरकार में, पर वो परमिशन नहीं मिली तो चुनाव की वजह से चुनाव चल लोकसभा चुनाव होने थे। अब उन्हें हटना था, उन्हें जाना था, अगर इतना ही इम्पोर्टेंट होता तो फिर सरकार छुट्टी क्यों देती सरकार की नजर में भी। अब अगर इन दोनों अधिकारियों को सर हटना ही था, हटाना ही था, तो इस घटना के बाद हटाने का क्या मैसेज देने का मतलब वही है? मैं वही बात कह रहा हूं कि एक तरफ आप बताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत सख्त हैं और उन्होंने एकदम कार्रवाई कर दी। अरे क्या मतलब है, मजाक बना रहे हैं आप व्यवस्था का। आपने छुट्टी दी है, वो अफसर छुट्टी पर है, ऑल इंडिया सर्विसेज का अफसर है, वो अमेरिका में है, और आप यहां हटा रहे हैं और ये कह के कि हमने सजा दे दी है। ऐसा तो नहीं है कि इनको मुख्यमंत्री महोदय को मतलब इल इन्फॉर्म्ड है, इनको बताया ही नहीं गया है कि अधिकारी छुट्टी पर हैं। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री के पास आज मुझे, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी आज भी मोहन यादव का साथ नहीं दे रही है। मोहन यादव जो है अभी भी ब्यूरोक्रेसी के निशाने पर है। लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं कि जहां पर ऐसी बात आ रही है जिससे कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिख रही है, अन्यथा ये मजाक बन रहा है मुख्यमंत्री का कि अफसर को छुट्टी दी है, वो अमेरिका घूम रहा है और उसको उस आरोप में आप हटा रहे हो जिसका, हालांकि ये प्राकृतिक वो है, किसी का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आरोप वो लगा के हटा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा कार्यवाहक जो खबर नहीं है, मतलब मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है, क्योंकि अगर वो गृह मंत्रालय भी संभाले तो दस्तखत तो उन्होंने ही किए होंगे, फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने दिए, क्योंकि बिना गृह मंत्रालय के सेंक्शन के वो जा ही नहीं सकते, पर्सनल की भी परमिशन नहीं। अच्छा लेकिन चलो अब दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो कार्यवाहक वहां पर एसपी है, मान लीजिए वहां पे तिवारी जी वहां उस समय कार्यरत होते, काम कर रहे होते, और फिर उनको हटा दिया जाता जैसे कलेक्टर को हटाया गया है, वो काम कर रहे थे वहां पे, उसके बाद हटाया। लेकिन फिर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मंदिर प्रांगण में बच्चे जो है मिट्टी के शिवलिंग बना रहे थे, उस स्थिति में क्या, और दीवार गिर गई तो क्या उस स्थिति में जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी दोषी है, जिम्मेवार है? यदि हाँ तो मतलब उनकी क्या जिम्मेवारी है, क्यों है वो जिम्मेवार? नहीं, मुझे मेरी नजर में वो जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो मंदिर के व्यवस्थापक जो वो मंदिर चला रहे हैं, जिन्होंने वहां तंबू लगवाया, जिन्होंने बच्चों को बुलवाए। अब डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट के एसपी हर दीवार तो चेक नहीं कर सकते। नहीं, दीवार चेक करने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा यह है कि अगर इसके लिए पहली चीज कि उन्होंने क्या थाने से परमिशन ली, थाने को सूचित किया कि वो ये कर रहे हैं, और अगर किया तो वो थानेदार जो उस थाने का इंचार्ज है सजा उसे मिलनी चाहिए। अच्छा, आप सर जो सवाल पहले उठा रहे थे, क्या किसी पुलिस अधिकारी की हिम्मत है मध्य प्रदेश में कि वो शिवलिंग के निर्माण को रोक सके? वही बात कह रहा हूं कि जिन कायदे से दोषी वो आयोजक हैं, जिन्होंने जानते हुए भी घर पुराना है, वो दीवार कभी भी गिर सकती है, उसके किनारे तंबू लगाया और आयोजन किया, पहली गलती उनकी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर का संचालक या मंदिर का पुजारी जो भी आयोजक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर उस इलाके के थानेदार पे आप सीधे, मैं तो सवाल पूछता हूं कि जो बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, गृहमंत्री हैं, तो क्या मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे या उन्हें हटाया जाएगा, क्या वो जिम्मेदार मान लिए जाएंगे, क्योंकि प्रमुख तो वही है। तो ये तो कोई तरीका नहीं है। सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि या तो अफसरों का एक गुट मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहा है, इसे पूरे उसमें मजाक बन रहा है पूरे प्रदेश में कि अफसर छुट्टी पे और उसे आपने सजा दे दी, छुट्टी भी दे दी और सजा भी दे दी। मुख्यमंत्री को यह देखना चाहिए कि उनके आसपास जो अफसर हैं या उनके जो सलाहकार हैं, ये जो एडवाइजर हैं, वो कौन हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा दूसरा सवाल सर मेरा अब यह है कि रीवा में भी घटना हुई, गढ़ थाना क्षेत्र, चार बच्चे जो है, छह लोग आ रहे थे, उनमें से पांच बच्चे थे, एक महिला थी, उनके ऊपर जो है एक जर्जर मकान की दीवार गिर गई। अब रास्ते से निकल रहे थे, वहां से दीवार गिर गई, और दीवार गिर गई तो चार बच्चों की दबकर मौत हो गई, एक घायल है, वो महिला भी घायल है। वहां पर कोई एक्शन इस तरह का नहीं लिया गया? अगर एसपी जिम्मेवार है शाहपुरा में, सागर में, तो एसपी क्यों जिम्मेवार नहीं है रीवा में? कलेक्टर क्यों जिम्मेवार नहीं है रीवा में? आखिर वो भी उस दीवार को पहचान सकते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे। मजे की बात यह है कि वहां उस मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, दो भाइयों के बीच लड़ाई थी, उस मुकदमे में वो दीवार कमजोर हुई या लो हुआ, तो उन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
बारिश का मौसम है, दीवार कमजोर थी, या तो नोटिस होता ही है कि भाई नोटिस दिया, आइडेंटिफाई करो, ऑडिट करो। हाँ, भोपाल में ऐसी कई इमारतें, राजधानी में, इंदौर में कई है, आपने क्या नोटिस दिया, आपने कुछ देखा, तो मुकदमा दर्ज कर लिया, ये आई वॉश है और कुछ नहीं है, वहां भी कुछ नहीं होगा। होना ये चाहिए कि जो सिविक सोसाइटी है, जब अगर जहां पर ये घटना हुई, चाहे सागर हो चाहे रीवा हो, वहां अगर नगर निगम है या नगर पालिका है या जिला पंचायत है, तो उन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी है कि बारिश के समय ये देखें कि जर्जर इमारतें कौन है, उन्हें खाली कराएं, एहतियाती कदम उठाएं, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। अच्छा सर, ये अगर ये है तो सैपुरा का जो तहसीलदार एसडीएम जो है, जिसके इलाके में आता है, उन पर कार्रवाई करो कि उन्होंने क्या किया, और उसके बाद फिर पूरी व्यवस्था को देखो आप, हर जगह ये हो रहा है। ये सिर्फ बाबाई लूटने के लिए आप किसी को अपमानित कर दें, ये कहीं की बात नहीं, और फिर वही बात है, रीवा में भी करते हैं फिर आप तो। अच्छा, फाइनल सवाल सर आपसे ये है कि अब अभी बारिशें खत्म नहीं हुई हैं, और ना ही वो आखिरी दौर जर्जर दीवारें थी मध्य प्रदेश की, और भी बहुत सारी दीवारें होंगी, और बारिश भी अभी होनी है, कोई ये दुर्घटना और ना हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हेमेंद्र, ये अभी दिल्ली में एक घटना हुई जी, बारिश का पानी भर गया एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में, और वहां 3 बच्चों की मौत हुई, बहुत ही दुखद घटना थी। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार चेती, और उसने पूरे प्रदेश में, इंदौर में, भोपाल में, वो कोचिंग सेंटर बंद किए जो बेसमेंट में चल रहे थे। बड़ी अच्छी पहल है, हम इसका स्वागत करते हैं। तो हम साथ में ये भी कहते हैं कि अब ये 13 बच्चों को लील गई जो कमजोर दीवारें, ऐसी कमजोर दीवारों का सर्वे तो करा लीजिए, कहिए अपने सिस्टम से कि हाँ, हर जिले में हर जगह ये देखें कि कहाँ स्कूलों और मंदिरों के आसपास, सार्वजनिक स्थलों के पास ऐसे कमजोर मकान है। अब तो ऑर्डर का ये ऑर्डर नहीं दिया गया कि ऑडिट होगा, मतलब दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हो गया और यहां गांव में छोटे बच्चे मर रहे हैं, उसका ऑडिट, और खुद को गांव वाला कहते हैं, बहुत सारे जो मंत्री हैं वो सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, सरकार ने भी चुने हैं तो सब ओबीसी चुने हैं, क्योंकि अरे भाई देखो, जहां करना है वो करो, बाबाई लूटने के लिए, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं अफसर, और कुछ नहीं है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सागर जिले की दुखद घटना के बाद जिले के कलेक्टर को, एसपी को, एसडीएम को ट्रांसफर जरूर कर दिया, लेकिन उनका यह निर्णय काफी मजाक का हिस्सा बन रहा है, काफी इसका मजाक उड़ रहा है, और खासकर डिस्ट्रिक्ट के एसपी के ट्रांसफर का मजाक उड़ रहा है, क्योंकि एसपी साहब जो है इस समय सरकारी छुट्टी पर गए हुए हैं और अमेरिका में है। अभी बरसात खत्म नहीं हुई है, मानसून खत्म नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में, पूरे देश में अभी मानसून चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो सरकारी इमारतें और दूसरी इमारतें हैं जो खतरा बन सकती हैं पब्लिक प्लेसेस में, उसका ऑडिट होना बहुत जरूरी है। सरकार ने अभी उस ऑडिट का फिलहाल कोई ऑर्डर ऐसा जारी नहीं किया है, जरूरत उस ऑडिट की है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।